देख रहे हैं महा कार्टून टीवी XD। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और नई कहानी जिसका नाम है जादुई गाय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो किसान ललन और हरी रहते थे। ललन और हरी बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और कई गायें थी, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। वह और अमीर होना चाहते थे। काश मैं और अमीर होता। हाँ, मैं भी। उनके पड़ोस में गोपाल नाम का एक और किसान रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह खुश था। सोने से पहले हर रात वह भगवान को धन्यवाद देता था। भगवान, मुझे भोजन और पानी देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर हरी और ललन बहुत जलते थे। वह आपस में यही बात करते रहते थे। ये गोपाल इतना खुश कैसे रहता है, जबकि इसके पास तो एक खेत और एक ही गाय है। हाँ ललन भाई, पता नहीं ये कैसे खुश रहता है। क्यों ना हम इसकी गाय ही खरीद लें, फिर तो इसकी कहानी खत्म समझो। यह सोचकर एक दिन ललन और हरी गाय खरीदने के लिए गोपाल के घर आए। और गोपाल, कैसे हो भाई? दरअसल हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। ये लो 20 चांदी के सिक्के। ये तुम्हारी गाय के लिए बहुत अच्छी कीमत है। लेकिन गोपाल अपनी प्रिय गाय को नहीं बेचना चाहता था, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी गाय नहीं बेचना चाहता, कृपया यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर ललन और हरी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। ललन, उस गोपाल की हिम्मत कैसे हुई हमें अपमानित करने की? शायद उसे इस बात की खबर नहीं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो हरी, हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने एक योजना बनाई। गोपाल को अपनी गाय पर बहुत गर्व है ना, तो हमें उसे उसकी गाय बेचने पर मजबूर करना होगा। यही एक सही तरीका है उसे बदला लेने का। लेकिन कैसे? रात को हम उसकी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। जब उसकी गाय को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तब तो उसे गाय बेचनी ही पड़ेगी। योजना के अनुसार उन्होंने रात में गोपाल की फसल जला दी। सुबह जब गोपाल ने जली हुई फसल देखी तो वह बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? गोपाल टूट गया था। एक सप्ताह के बाद भी वह कोई समाधान नहीं निकाल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए भी गोपाल के पास कुछ नहीं था। वह सोचने लगा, अगर मैं गाय को नहीं खिला पाया तो वह भूख से मर जाएगी, इसीलिए इसे बेचना ही बेहतर है। अगली सुबह वह गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वह सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया तो क्या होगा, मैं तो अपनी सारी चीजें खो दूंगा। यह सोचकर उसने गाय के गले की थैली में अपने 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वह थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले की थैली से निकलकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, गाय के गले से एक चांदी का सिक्का निकला, जरूर ये एक जादुई गाय है। यह सब देखकर सराय के मालिक को लालच आ गया। उसने गोपाल से कहा, क्या ये गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। तो कहाँ ले जा रहे हो इसे? मैं इसे बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। इस पर सराय का मालिक सोचने लगा, लगता है इस किसान को पता नहीं कि यह एक जादुई गाय है, यही कारण है कि वह उसे बेच रहा है। क्यों ना मैं ही इसे खरीद लूं? यह सोचकर उसने गोपाल से कहा, अरे अरे, अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसे खरीदूंगा।
मैं इसके लिए आपको चांदी के सिक्कों से भरा बैग दूंगा। चांदी के सिक्के का एक बैग? हाँ भाई। गोपाल को पता था कि ये वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए उसने कहा, ठीक है, आप इसे चांदी के सिक्कों के बैग के बदले में ले सकते हैं। गोपाल ने चांदी के सिक्के के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह पैसे गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इन चांदी के सिक्कों के साथ मैं बहुत सारी गायें खरीद सकता हूँ और उन्हें भरपेट खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद ललन और हरी गोपाल के घर आए। गोपाल उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से उठाए बे? अरे गोपाल, तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए? भगवान ने मुझे मेरी गाय के माध्यम से दिए हैं। मैंने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है, और अब मैं बहुत सारी गाय खरीद सकता हूँ और उन्हें भरपेट खिला भी सकता हूँ। यह सुनकर हरी और ललन दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें केवल खुद को बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।